हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। आज 9 अगस्त दिन बुधवार है, वही हिंदी महीना सावन और कृष्ण पक्ष की अष्टमी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों मानसून को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। नया सिस्टम एक्टिव नहीं होने से अब थम गया है बारिश का दौर। दोस्तों नए सिस्टम के एक्टिव नहीं होने से फिलहाल मध्य प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में बारिश का दौर थम गया है। बादल छटने से दिन और रात के तापमान में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश में अगले 5 दिनों तक तेज बारिश होने का अनुमान नहीं है। वहीं सीनियर मौसम वैज्ञानिक वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान चक्रवाती घेरा दक्षिणी बिहार के ऊपर सक्रिय था। यह कमज़ोर होकर पूर्व की ओर बढ़ गया है और वह बंगाल की तरफ एक्टिव हो गया है। इसका असर अब मध्य प्रदेश के ऊपर नहीं है, इससे बारिश की गतिविधियां घट गई हैं। वहीं मौसम वैज्ञानिक वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि प्रदेश में अगले 4 से 5 दिन तक मौसम सामान्य बना रहेगा। दोस्तों जबलपुर और इंदौर क्षेत्र के 1036 आंगनबाड़ी केंद्र होंगे अब रोशन, जिससे वहां पढ़ने वाले बच्चों को मिलेगा बड़ा लाभ। दोस्तों पूर्व और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्य क्षेत्र के जिलों में 1036 आंगनबाड़ी केंद्रों को रोशन किया जाएगा। इन आंगनबाड़ी केंद्रों में बिजली आने से यहां बच्चों को अंधेरे में नहीं बैठना पड़ेगा, वहीं गर्मी के मौसम में पंखे और कूलर भी चला सकेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम विद्युत वितरण कंपनी के अंतर्गत झाबुआ जिले में सबसे अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों को रोशन किया जाएगा, अर्थात वहाँ 72 आंगनबाड़ी केंद्र रोशन होंगे। वहीं उज्जैन में 68, इंदौर में 55, रतलाम में 43 और धार जिले में 30 आंगनबाड़ी केंद्रों का विद्युतीकरण किया जाएगा। इसके अलावा पूर्व विद्युत वितरण कंपनी के अंतर्गत सीधी जिले में सबसे अधिक अर्थात 92 आंगनबाड़ी केंद्रों को रोशन किया जाएगा। सिंगरौली में 86, डिंडोरी में 63, रीवा में 55, टीकमगढ़ में 54 और कटनी जिले में 41 आंगनबाड़ी केंद्रों का विद्युतीकरण किया जाएगा, जिससे यहां पढ़ने वाले बच्चों को मिलेगी सुविधाएं। दोस्तों ओबीसी आरक्षण को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। खनिज अधिकारी के पदों पर भर्ती में अन्य पिछड़ा वर्ग को मिलेगा अब 27% आरक्षण। दोस्तों मध्य प्रदेश खनिज विभाग में खनिज अधिकारी के श्रेणी 1 व 2 के पदों पर भर्ती में अब अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिया जाएगा। इसको लेकर आदेश भी जारी हो गए हैं। पहले इन पदों पर भर्ती में अन्य पिछड़ा वर्ग को 14% आरक्षण का प्रावधान था, जिसे अब बढ़ाकर 27% कर दिया गया है। इसके अलावा भर्ती नियम में शारीरिक रूप से विकलांग वर्ग के स्थान पर अब दिव्यांगजन स्थापित कर दिया गया है। दोस्तों बड़े मुश्किल से पूरी हुई है आज, अर्थात दशकों से पूरी हुई है आज, पुलिस कर्मियों को पहली बार मिला है साप्ताहिक अवकाश। पुलिस महकमे को जिस साप्ताहिक अवकाश की आस थी वह सोमवार से प्रारंभ हो गई है। भले ही यह सरकार द्वारा चुनावी वर्ष में लिया गया फैसला हो, लेकिन पुलिस कर्मियों को राहत मिली है। दोस्तों यह फैसला केवल पुलिस को ही खुश नहीं करेगा, बल्कि उनके परिवार को भी खुश करेगा। वहीं संवेदनशील हृदय रखने वाले प्रत्येक आम आदमी को भी खुश करेगा। सरकार का यह फैसला पुलिस कर्मियों को बहुत ही भा रहा है। दोस्तों दृष्टिहीन विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर है। अब वे ब्रेल लिपि व राइटर से नहीं स्मार्टफोन से करेंगे पढ़ाई। जिन विद्यार्थियों को आंखों से दिखाई नहीं देता उनके लिए बड़ी अच्छी पहल की गई है। अब वे ब्रेल लिपि से नहीं बल्कि स्मार्टफोन से पढ़ाई करेंगे, उनके लिए ऐसे स्मार्टफोन की व्यवस्था की गई है। दोस्तों बिना आँखों के खाना पीना, चलना फिरना, पढ़ना लिखना बहुत कुछ संभव नहीं हो पाता, इसलिए सरकार ने बच्चों की पढ़ाई के लिए, दृष्टिहीन विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए अब स्मार्टफोन की व्यवस्था की है। अब वे परीक्षा भी उस स्मार्टफोन से दे सकेंगे, अर्थात स्मार्टफोन की सहायता से वे परीक्षा में जवाब लिख सकेंगे। दोस्तों महाकाल की नगरी उज्जैन से खबर है। उज्जैन में खुलेगा अब महाकाल लोक थाना, इसके लिए गृह मंत्री ने कर दी है घोषणा। दोस्तों उज्जैन में महाकाल लोक की स्थापना के बाद से ही बाबा महाकाल की इस नगरी में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला बढ़ गया है। देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु उज्जैन नगरी में बाबा महाकाल के दर्शनों के लिए आते हैं। वहीं श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती तादाद को देखते हुए सुरक्षा के मद्देनज़र प्रदेश शासन के गृह विभाग ने यहाँ महाकाल लोक के नाम से
अलग पुलिस थाना बनाने का फैसला किया है। इसके लिए अलग से फोर्स भी तैनात की जाएगी। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मंगलवार को इसकी घोषणा की है। इस प्रकार से बाबा महाकाल के श्रद्धालुओं को मिलेगी थोड़ी सी सुविधाएं। दोस्तों, मध्य प्रदेश में गरीबी का प्रतिशत कम हुआ है, इसको लेकर नीति आयोग ने रिपोर्ट प्रस्तुत की है। नीति आयोग के अनुसार मध्य प्रदेश में गरीबी 15.94% कम हुई है, अर्थात प्रदेश में 1,36,00,000 लोग गरीबी से बाहर आए हैं। वहीं ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में गरीबी में कमी आई है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश की ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों की आबादी में 20.58% की गिरावट आई है। वहीं शहरी क्षेत्रों में गरीबी आबादी में 6.62% की गिरावट आई है। दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के कुछ ज़िले ऐसे हैं जहां पर गरीबी में कमी आई है। वे ज़िले हैं अलीराजपुर, बड़वानी, खंडवा, बालाघाट और टीकमगढ़। इन ज़िलों में गरीबी में थोड़ी सी कमी आई है, अर्थात इन ज़िलों में थोड़ा सा सुधार हुआ है। दोस्तों, किसानों के लिए बड़ी खबर है, टमाटर चोरों से परेशान किसान ने लगाया नए जमाने का आइडिया। आप सभी को मालूम होगा कि देश में टमाटर की आसमान छूती कीमतों ने लोगों के घरों का बजट बिगाड़ दिया है। वहीं टमाटर की कीमत 200 से 250 रुपए प्रति किलो के बीच पहुंच गई है। ऐसे में अब महाराष्ट्र के औरंगाबाद से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर शाहपुर बंजार क्षेत्र का मामला सामने आया है, जहाँ एक किसान ने चोरों से खेत की रखवाली के लिए CCTV कैमरे लगा दिए, अर्थात टमाटरों को चोरी से बचाने के लिए उन्होंने अपने खेत में CCTV कैमरे लगा दिए, जिससे उनके खेतों से टमाटर की चोरी नहीं हो रही है। दोस्तों, किसानों के लिए ज़रूरी खबर है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त पाने के लिए किसान आज से कर सकते हैं आवेदन। दोस्तों, PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत 14वीं किस्त की राशि किसानों के बैंक खातों में जुलाई महीने के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भेज दी गई है। किसानों के बैंक खातों में योजना के तहत करीब 1,400 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए गए हैं। वहीं बता दें कि आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत सालाना 6,000 रुपये मिलते हैं। अब योजना की 15वीं किस्त आनी है। 15वीं किस्त का लाभ यदि लेना है तो आपके लिए आवेदन खुल गए हैं। आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.nic.in पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी 12 अगस्त को मध्य प्रदेश के दौरे पर आने वाले हैं और देंगे प्रदेश को करोड़ों रुपए की सौगात। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 अगस्त को एक बार फिर मध्य प्रदेश के दौरे पर आएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी जानकारी मीडिया को देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री मोदी 100 करोड़ रुपए की लागत से सागर जिले के बड़कुमा में बन रहे संत रविदास जी के भव्य मंदिर एवं विशाल स्मारक का भूमि पूजन करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी प्रदेश को कई सौगातें भी देंगे। इसकी जानकारी CM शिवराज सिंह चौहान ने दी है। दोस्तों, पूर्व CM कमलनाथ जी पर चढ़ गया है बागेश्वर धाम के कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का रंग। छिंदवाड़ा जिले में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा कराने को लेकर कमलनाथ जी को उनकी पार्टी के नेता घेर रहे हैं। इस पर भाजपा ने भी चुटकी ले ली है। इसी बीच कमलनाथ जी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि देश में 82% हिंदू हैं, फिर हिंदू राष्ट्र कहने की क्या आवश्यकता है, यह तो आंकड़े ही बताते हैं। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हमेशा कथा में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की अपील करते हैं और इसी बात को लेकर कमलनाथ जी भी चरमरा गए, अर्थात वे नहीं चाहते कि भारत हिंदू राष्ट्र बने। इसी को लेकर उन्होंने कहा कि देश में 82% हिंदू हैं, तब हिंदू राष्ट्र की क्या आवश्यकता है। तो इस प्रकार से जानकारियां थी। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। तो मिलते हैं सर इसी प्रकार की खबरों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।